ये ए एक्स इज इक्वल एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए। तो ये इसका एक हल है जिसको हम शून्य के कहते हैं। इसे हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, बी का मतलब ये अचर है, यहाँ एक्स नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे अचर पर बटे ए का मतलब ये क्या है, एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी शून्य को का हल हम ज्ञात करते हैं। ज्यामिति के रूप में ज्यामिति के रूप में किसी का हल हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो इस तरह से है कि कोई, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये है, तो ये एक्स एच को कितनी जगह प्रतिच्छेदित करता है, एक जगह, तो इसका एक शून्य होगा। अगर ये एक्स एच को कितनी जगह प्रतिच्छेदित करता है, तो एक जगह, दो जगह और तीन जगह, तो इसके तीन शून्य होंगे। इस तरह से ज्यामिति के रूप में जो रेखा होती है वो एक्स एच को जितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है उसके उतने शून्य बनेंगे, और अगर ये रेखा एक्स एच को नहीं प्रतिच्छेदित करती है तो इसके शून्य प्राप्त नहीं होंगे। इसी तरह से सबसे पहले आता है शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए, और इसका गुणनफल शून्यकों का योग और होता है इसका गुणनफल, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं सी अपॉन ए, इसको बोलते हैं माइनस बी। बी का मतलब जो द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो बी का अर्थ होता है एक्स का गुणांक और ए का अर्थ होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी का अर्थ होता है अचर पद और ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इस पे से हम कुछ एग्जांपल बड़ी आसानी से देख सकते हैं, मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। जैसे है एक एग्जांपल है कि एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन का शून्यक ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आंसर में कि एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन बराबर, इसका फैक्टर करेंगे तो एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फाइव आएगा। शून्य ज्ञात करते समय एक्स प्लस टू को हम जीरो मान लेंगे और एक्स प्लस फाइव को भी जीरो मान लेंगे। एक्स बराबर प्लस टू उधर जाएगा तो माइनस टू, और एक्स बराबर प्लस फाइव उधर जाएगा तो माइनस वन। इस तरह से इसके कितने शून्यक हो गए, दो शून्यक हो गए। अब शून्यकों का योगफल, ये होता है माइनस टू है और ये है प्लस माइनस फाइव, तो ये जोड़ेंगे तो दोनों होगा माइनस सात। इसके नीचे मैं एक लिख सकता हूँ जहाँ कुछ नहीं होगा, इसको लिख सकते हो माइनस सात का मतलब एक्स का गुणांक, ये सात किसका है, एक्स का गुणांक है, बटे एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी प्रकार से शून्य को का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसे कहते हैं अल्फा है माइनस टू बीटा है माइनस पाँच, ये होगा टोटल दस। दस को मैं लिख सकता हूँ दस बटे एक, इस दस को लिखूँगा अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से ये टॉपिक्स पूरा हुआ।